तो गाइस आज हम बात करने वाले फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रैग हेडशॉट के बारे में। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो गाइस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और गाइस मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ड्रैग हेडशॉट के बारे में सब कुछ जान जाओगे और गेम पे अप्लाई करके एनिमी को इजीली मार पाओगे। तो गाइस टोटल 3 स्टेप्स में मैं आप लोग को ड्रैग हेडशॉट के बारे में समझाने वाला हूँ। तो गाइस बेसिकली आप सभी ने देखा, फर्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करने वाले बेसिक ट्रिक के बारे में। सेकंड नंबर स्टेप्स में हम लोग बात करेंगे प्रो ट्रिक के बारे में। थर्ड नंबर स्टेप्स पे हम लोग बात करने वाले लेजेंडरी ट्रिक के बारे में। और गाइस बेसिक स्टेप्स पे हम लोग बात करेंगे 3 बेसिक थिंग्स के ऊपर। तो गाइस फर्स्ट नंबर स्टेप्स पे हम लोग बात करेंगे बेसिक थिंग्स के ऊपर, 3 बेसिक थिंग्स के ऊपर जो कि हेडशॉट मारने के लिए आप लोगों को बेसिकली याद रखना होता है। तो गाइस फर्स्ट नंबर बेसिक थिंग्स पे हम लोग बात करने वाले कंटीन्यूअस फायर एंड ड्रैग के बारे में। तो गाइस नाम देखकर अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो ना तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी डिटेल्स के ऊपर बात करूंगा जिससे कि आप लोग इजीएस्ट वे में हेडशॉट मारना सीख जाओ। और गाइस सेकंड नंबर बेसिक थिंग्स पे हम लोग बात करने वाले मूवमेंट प्लस स्कोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट के बारे में। सेकंड नंबर बेसिक थिंग्स के ऊपर भी डिटेल्स में बताऊंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। और गाइस टॉपिक नंबर 1 का थर्ड नंबर बेसिक थिंग्स पे हम लोग बात करने वाले सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी के बारे में, सभी का फोन का अलग अलग सेंसिटिविटी और सेटिंग्स होता है। तो चलो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 बेसिक थिंग्स और बेसिक ट्रिक के बारे में। तो गाइस नंबर 1 बेसिक थिंग्स पे हम लोग बात करने वाले हैं कंटीन्यूअस फायर एंड ड्रैग के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि ये बेसिक थिंग्स है और सभी लोग ट्राई कर सकते हैं और करना ही चाहिए, लेकिन ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए ज्यादा सुइटेबल होगा। तो गाइस आप लोगों को सिंपली क्या करना है, कंटीन्यूअसली फायर करते हुए हेड की तरफ ड्रैग करना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, किसी भी गन से फायर करो मैटर नहीं करता, बस आप लोग क्या करना है फायर करते हुए कंटीन्यूअस फायर करते हुए हेड की तरफ ड्रैग करना। अब इस हेड की तरफ ड्रैग करने के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बंदे डिफॉल्ट पे खेलते हैं। अगर आप लोग डिफॉल्ट पे खेल रहे हो, स्कोपिंग स्कोप आउट करते हो या फिर नॉर्मली आपका रेड डॉट एनिमी के बॉडी पे जाता है, ठीक है, सर पे नहीं जाता, हेड पे नहीं जाता। इसीलिए जब आप लोग का रेड डॉट बॉडी पे लॉक होता है आप लोग को हेड की तरफ ड्रैग करना होता है। चलो गाइस अब बात करते हैं सेकंड नंबर बेसिक थिंग्स के ऊपर। तो सेकंड नंबर बेसिक थिंग पे हम लोग बात करने वाले मूवमेंट प्लस स्कोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट के बारे में। मैक्सिमम फ्री फायर प्लेयर्स का ये प्रैक्टिस रहता है कि वो लोग स्कोप इन करके एनिमी को फायर करते हैं। अब गाइस ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जब आप लोग स्कोप इन करते हो ना तो आप लोग का रेड डॉट इजी मूव होता है। बस गाइस आप लोगों को स्कोप इन करके अपने रेड डॉट को एनिमी के हेड की तरफ ड्रैग करना है। तो गाइस ये वाला वीडियो को गौर से देखना, मैं क्या करता हूं स्कोप इन करता हूं और जैसे मैं घुमाता हूं ना अपना रेड डॉट को इजीली मूव होता है। बेसिकली ये चिपकता नहीं है गाइस, ठीक है, आप लोग इजीली मूव करके एनिमी के सर की तरफ अपने रेड डॉट को ले जा सकते हो। गाइस अगर आप लोग स्कोप इन कर रहे हो लेफ्ट की तरफ तो राइट की तरफ आप लोग को मूव करना होगा। राइट की तरफ अगर आपका स्कोप इन हो जाता है और लेफ्ट की तरफ एनिमी होता है तो लेफ्ट की तरफ आपको रेड डॉट को मूव करना होगा। चलो गाइस अब बात करते हैं थर्ड नंबर बेसिक थिंग्स। तो गाइस थर्ड नंबर बेसिक थिंग्स पे हम लोग बात करने वाले सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी के बारे में। तो गाइस हर किसी का फोन का सेटिंग्स और हर किसी का फोन का सेंसिटिविटी अलग-अलग होता है। सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो गाइस एक बात की आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, आप लोग सेटिंग्स में जाके हाई FPS को ऑन कर देना। तो गाइस मैक्सिमम बंदों का अच्छा फोन तो होगा ही, लेकिन अगर किसी के पास अच्छा फोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हाई FPS क्या करता है कि बफरिंग को कम कर देता है। आप लोग जब स्क्रीन को टच करते हो स्क्रीन में रिस्पॉन्स जो होता है ना उसका बीच का जो बफरिंग होता है वो कम कर देता है। गाइस ये कुछ मिली सेकंड्स का ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका अच्छा फोन नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नॉर्मली भी खेल सकते हो। बाकी का सभी ट्रिक्स आप लोग सही से फॉलो कर, लेकिन जिन लोगों के पास हाई एंड डिवाइस है उन लोगों के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं हाई FPS को जरूर से ऑन कर ले सेटिंग्स में जाके। अब गाइस सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो गाइस आप लोग का फोन के अकॉर्डिंग आप लोग को रखना होता है। मतलब गाइस ये ऐसा नहीं है कि मैंने जितना रखा है आप लोग भी उतना ही रखोगे तो आप लोग का फोन में भी चल जाएगा। गाइस रेड डॉट यानी विदाउट स्कोप जब आप लोग एनिमी के ऊपर अपने रेड डॉट को लगाते हो ना एम करते उसके लिए आप लोगों को कितना मूव करना पड़ता है और वो डॉट जो है ना वो कितना देर तक चिपक के रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का सेंसिटिविटी का जो सेटिंग्स है उसको चेंज करना चाहिए, कम या ज्यादा। वैसे ही अकॉर्डिंगली 2x 4x और 8x का भी सेटिंग्स आप लोगों को मिलाना चाहिए। आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कितना देर से और कितना मूवमेंट करने पर आपको आपका जो डॉट है वो एनिमी के बॉडी पर परफेक्टली चिपक के बॉडी पे टच होता है। बॉडी पे चिपकने के बाद आप लोग कितना ड्रैग करने पर कितना मूवमेंट करने पर हेड तक पहुंच जाता है आपका डॉट, इस बात का
इसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बॉडी पे चिपकने के बाद हेड तक ड्रैग करने के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बॉडी पे चिपकने के बाद जब आप लोग ड्रैग करते हो तो आपका गोली आसमान में चला जाता है, हेड पे लगता ही नहीं। अगेन मैं आप लोगों से रिपीट करता हूँ कि इसके लिए आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलो बात करते हैं सेकंड नंबर स्टेप्स के बारे में। तो गाइस सेकंड नंबर स्टेप्स पे हम लोग बात करने वाले प्रो ट्रिक के बारे में। आप लोग गौर करना, बेसिक ट्रिक का सभी ट्रिक को फॉलो करके ही, सभी स्टेप्स को फॉलो करके ही आप लोग को प्रो ट्रिक की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए गाइस मैंने फर्स्ट स्टेप कहा था और ये सेकंड स्टेप्स यानी प्रो ट्रिक के बारे में कह रहा हूं गाइस। यानी तीनों स्टेप्स आपस में इंटरलिंक्ड है। तो गाइस सेकंड नंबर स्टेप्स पे सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले रेड डॉट पोजीशन के बारे में। इस वाले टॉपिक में रेड डॉट के साथ साथ जॉयस्टिक और फायर बटन का इक्वल और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले। वाले टॉपिक पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गौर से ध्यान देना पड़ेगा वीडियो की तरफ। उसके बाद वाले टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले ड्रैग टुवर्ड्स अप, ओनली व्हाइल एनिमी स्टैंडिंग, एनिमी रनिंग टुवर्ड्स यू और एनिमी रनिंग ऑपोजिट फ्रॉम यू। तीनों टॉपिक पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस मस्त देगा। ठीक है, आप लोगों का प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन बिल्कुल नहीं आने वाला। तो चलो गाइस सबसे पहला नंबर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला नंबर टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले रेड डॉट पोजीशन और कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड जॉयस्टिक बटन के बारे में। ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं बता देता हूं, इस बटन को जॉयस्टिक कहते हैं और इस बटन को फायर बटन कहते हैं गाइस। ठीक है, गाइस इन्हीं दोनों बटन्स का कॉम्बिनेशन रेड डॉट के साथ बताने वाला हूं। गाइस इस वाले टॉपिक पे दो कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूं। एनिमी अगर लेफ्ट की तरफ भागे तो क्या करना है, या फिर एनिमी अगर राइट की तरफ भागे तो क्या करना है। तो गाइस समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो गाइस ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आपके सामने एनिमी खड़ा है ना तो आपको क्या करना है, जॉयस्टिक को डाउन करना है और फायर बटन को आपकी तरफ, अगर आप लोग फायर करते हो तो एनिमी को हेडशॉट लग जाता है। लेकिन गाइस सिमिलरली अगर एनिमी राइट की तरफ भाग रहे हैं तो आप लोग क्या करना है, जॉयस्टिक को लेफ्ट और फायर बटन को राइट की तरफ करना है तो आप लोग का हेडशॉट लग जाता है। सिमिलरली अगर एनिमी लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं तो जॉयस्टिक को राइट और फायर बटन को लेफ्ट की तरफ करने से भी आपका हेडशॉट लग जाता है। ये दो कंडीशन बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो बस गाइस आप लोगों को करना क्या कि जब भी एनिमी आपके सामने लेफ्ट की तरफ भाग रहा हो ना तो फायर बटन को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना है और राइट की तरफ भाग रहे तो फायर बटन को राइट की तरफ ड्रैग करना है। लेकिन सिमिलरली जॉयस्टिक बटन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करना जरूरी होगा। चलो गाइस अब बात करते हैं सेकंड नंबर टॉपिक के ऊपर। सेकंड नंबर टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले ड्रैग टुवर्ड्स अप, ओनली व्हाइल एनिमी स्टैंडिंग, एनिमी रनिंग टुवर्ड्स यू और रनिंग ऑपोजिट फ्रॉम। मतलब आप लोगों के सामने एनिमी अगर खड़ा रहे ना तो आप लोगों को क्या करना है, जॉयस्टिक बटन को डाउन करना है और फायर बटन को अप करने से हेडशॉट लग जाता है। लेकिन गाइस सिमिलरली आप लोगों को टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है, जब एनिमी आपके सामने भागता हुआ आए ना एट द सेम टाइम अगर आप लोग हल्का सा ड्रैग करते हो ऊपर की तरफ तो हेडशॉट इजीली लग जाता है। सिमिलरली एनिमी अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे ना तो भी आप लोगों को क्या करना है, हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करने से हेडशॉट लग जाता है। तो चलो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर स्टेप्स के बारे में, जो कि है लेजेंडरी ट्रिक। अब गाइस थर्ड नंबर स्टेप्स पे हम लोग बात करने वाले ड्रैग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट और अपसाइड के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी सेकंड नंबर स्टेप्स पे आप लोग को ब्रीफली बता दिया। इसीलिए इस वाले स्टेप्स पे थोड़ा सा एडवांस ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है ड्रैग विद कंटीन्यूअस फायर। मतलब जब आप लोग फायर करते हो आपका कैरेक्टर रुकना नहीं चाहिए, बस फायर करते तुरंत आप लोग को भागते रहना है। ठीक है, आपका रनिंग कंटिन्यू होता रहना चाहिए। अगर आप लोग रुकोगे द सेम विल हैपेंस विद यू। मतलब जिस तरह आप लोग हेडशॉट मारना चाहते हो एनिमी को, एनिमी भी आप लोग को हेडशॉट मारना चाहता है। लेकिन अगर आप लोग रुक जाते हो लेकिन एनिमी नहीं रुकेगा, एनिमी बिल्कुल नहीं रुकेगा, एनिमी आपको मार के चला जाएगा। इसीलिए गाइस आप लोगों को मूवमेंट विद कंटीन्यूअस फायर करना है, जिसका ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अब गाइस आप लोगों को यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैनेज करना पड़ता है ना वो है टाइमिंग। आप लोगों को टाइमिंग को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रैग विद कंटीन्यूअस फायर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटीन्यूअस फायर करते रहना। कंटीन्यूअस फायर मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरा मैगजीन खाली कर दो। आप लोगों को फायर तो एक ही बार करना है, लेकिन फायर करने के बाद आप लोगों को रुकना नहीं है गाइस। ठीक है, आप लोगों को मूवमेंट करते रहना है और जैसे आप लोग मूवमेंट करते हो नेक्स्ट शॉट के लिए आप लोगों को प्रिपेयर होकर नेक्स्ट शॉट भी फायर। लेकिन गाइस याद रखना टॉपिक को मैंने कहा है ड्रैग विद कंटीन्यूअस फायर, तो आप लोगों को फायर करते वक्त एक साथ ही ड्रैग भी करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ड्रैग करते वक्त आप लोगों को लेफ्ट, राइट और अप साइड तीनों को मैनेज करना पड़ेगा टाइमिंग के हिसाब से। इसीलिए मैंने गाइस आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा टाइम
टाइमिंग्स को। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को मैनेज करना है, जिसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। जब आप लोग ड्रैग विद कंटिन्यूअस फायर सीख जाते हो ना, उसके बाद आप लोगों को मूवमेंट विद कंटिन्यूअस फायर भी सीखना है। गाइस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गाइस एनिमी आप लोगों को मार के चला जाएगा। आप लोगों के मारने से पहले ही आपको एनिमी मार के चला जाएगा, इसलिए उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करना है मूवमेंट विद कंटिन्यूअस फायर के बारे में। मैं आप लोगों से रिपीट करना चाहता हूं, कंटिन्यूअस फायर का मतलब ये नहीं कि आप लोग मैगजीन खाली करो। आप लोगों को फायर तो करना है एक ही बार, लेकिन एक बार फायर करने के बाद मूवमेंट करके नेक्स्ट बार फायर करने के लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर होकर नेक्स्ट बार फायर भी करना पड़ेगा इमीडिएटली। तो चलो गाइस कंटिन्यूअस फायर के लिए ऑल बटन्स ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देते हैं। तो गाइस सभी स्टेप्स को आप लोग गौर से देखना। सबसे पहले आप लोग करना है रनिंग, सेकंड नंबर पे आप लोग करना पड़ेगा जंप, थर्ड नंबर पे आपका स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा एनिमी का सर की तरफ लेफ्ट राइट, और आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप लोग को जॉयस्टिक और फायर बटन को क्लिक करना है फोर्थ नंबर स्टेप। उसके बाद वापस से आप लोग को पांच नंबर स्टेप पे क्या करना है, रनिंग करना है। इसी साइकिल को आप लोग को वापस से रिपीट करते रहना है। तो गाइस आप लोग का कैरेक्टर रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहेगा और आप लोग फायर भी करते रह पाओगे। बोलने में जितना आसान है ना, करने में बहुत ही ज्यादा टफ है। आप लोग को परफेक्ट बनने में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगा। तो गाइस आप लोग प्रैक्टिस जरूर से करना ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड। ट्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है जब एनिमी आपकी तरफ फेस करता रहे। अगर आप लोग को फ्रंट साइड एनिमी का दिख रहा है ना, तो आप लोग श्योर हो जाना कि आप लोग का ड्रैग हेडशॉट लगने वाला है। तो गाइस आप लोग अच्छे से ड्रैग करना। हेडशॉट लगने के लिए तीन पैसिव कैरेक्टर मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूं, जो आप लोग इक्विप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग को लेना है लॉरा, उसके बाद लूना और उसके बाद डीबी कैरेक्टर को। लॉरा कैरेक्टर आप लोग का 50% एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा। लूना आप लोग का गन का रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने में मदद करता है। डीबी कैरेक्टर 30% मूवमेंट स्पीड और 60% एक्यूरेसी आप लोग का इंक्रीज कर देगा। मतलब लॉरा का 50% और डीबी का 60% एक्यूरेसी, मतलब 110% एक्यूरेसी आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर से लूना का 15% मूवमेंट स्पीड और डीबी का 30%, मतलब 45% आप लोग का मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस बेसिकली ये तीनों कैरेक्टर आप लोग का हेडशॉट रेट को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो गाइस आप लोग यूज जरूर से करना। तो बस गाइस आज का इस वीडियो में बताने के लिए इतना सभी था। उम्मीद है आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को ऑल पे से जरूर से कर देना। तब तक के लिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय गाइस।